उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुरपुर के प्रधानाध्यापक शिव कैलाश वर्मा के दिशा निर्देशन पर स्थानीय कोटेदार गीता पत्नी जगत नारायण के द्वारा आज कक्षा 7 व 8 के बच्चों को विद्यालय बंद होने के कारण कोटेदार द्वारा बच्चों को राशन वितरण किया गया, जिससे राशन पाकर नौनिहालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद बाराबंकी के विकास क्षेत्र त्रिवेदीगंज के ग्राम पंचायत ठाकुरपुर का है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जी, आज किस विषय को लेकर के आप राशन बांट रहे हैं? ये निःशुल्क वाला राशन है या किसी अन्य प्रकार का है? सर, आज निःशुल्क की भी डेट आज आखिरी डेट है, और सर ये जो स्कूल का राशन है माध्यमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जी, ये भी राशन वितरण हो रहा है। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय किस ग्राम पंचायत में पड़ रहा है? सर, ये ग्राम ठाकुरपुर में पड़ता है। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके यहाँ बच्चे काफ़ी मात्रा में आ चुके हैं, और बच्चों को ये लॉकडाउन के बारे में आप क्या निर्देश दे रहे हैं? सर, ये निर्देश दे रहे हैं कि मास्क लगाए और उचित दूरी बनाए रखें आप। अच्छा, राशन प्रति बच्चे के को कितना राशन दिया जा रहा है? सर, कुल मिला के 18 किलो 600 ग्राम है, और 6 किलो 200 ग्राम गेहूँ है, और 12 किलो 400 ग्राम चावल है। अच्छा, जैसा कि ये बच्चे आपके यहाँ आए हुए हैं, हम देख रहे हैं, उसके बाद जो है बच्चों को आप राशन देते हैं, तो क्या बच्चे ही भर रहे हैं राशन, या आपका कोई लेबर हेल्पर है जो राशन को बोरी में भर के देता है? नहीं, जो अपने आप खुद भर सकते हैं वो मान लीजिए भर लेते हैं, बाकी भरवा के देते हैं। ठीक है।